आप देख सकते हो ऊपर से ये नजर आ रहा है। गुड इवनिंग गाइज, आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है एक बार और हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइज, आपने देखा सुबह से हम जलमेल आए, उसके अलावा ये पत्रिका गेट गए आज, और अब हम निकलने वाले हैं आमेर फोर्ट के लिए। तो चलो सीधा चलते हैं आमेर फोर्ट और हमारी व्लॉग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, जो शूट मिलेंगे हम लेंगे। इसके पहले वाली व्लॉग थोड़ी छोटी थी, बड़ी हो गई थी, इस वजह से कट करना पड़ा, ये डेटा भी उसी के अंदर ऐड करते, लेकिन अब हमें जाना है आमेर फोर्ट, वहाँ की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा आमेर फोर्ट। गाइस आप देख सकते हो अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए। आप पतंग देख सकते हो, चेपी हो तो मेरे को थोड़ी चेपी दे दो दोस्तों, देखो मैं खींच मारूंगा गाइस, ये देखो भाई पता होता है, एक नंबर सूर्या ला रही है, सूर्या एक नंबर गाइस, आप देख सकते हो मेरी भी बन चुकी उतरान। अरे भाई यार पूरा खड्डा हो गया, खड्डा करके उड़ानी पड़ेगी, हवा कम लगी गाइस तो एक ही खड्डा हो चुका है। चलो आगे जो भी आता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये पतंग गई और ये मेरी काटता हो गई, देख सकते हो आमेर फोर्ट के लिए जा रहे दोस्तों। चलो रोड देखा, रोड के बारे में कुछ कमेंट करो, अब सीधा पहुंचते हैं आमेर फोर्ट और आपको एक एक चीज बताते हैं आमेर फोर्ट पे क्या वहाँ पे सिचुएशन रहती है, क्या शूट करते हैं। वहाँ पे से बहुत अमेजिंग रोड आया, आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये हमारे आमेर, कौन सा आमेर ना, आमेर फोर्ट के पास। आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा बना हुआ है गाइस, ये व्यू आ रहा है यहाँ से हम जहाँ पे खड़े हुए। अंदर तो अभी जाएंगे नहीं हम, क्योंकि अंदर जाने के फिर एक्स्ट्रा चार्जेस और फिर टाइम भी नहीं अपने पे, और गिम्बल का भी परमिशन नहीं होता। आप देख सकते हो दूर से गाइस ऐसा लगता है, बाकी हमारे कपल ये रहे, इनके कुछ अच्छे शॉट्स आ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो लोकेशन बड़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस ये बताओ ये देख के कैसा लगा, आपके भाई ने आपको आमेर फोर्ट भी घुमा दिया, कैसा लगा ये बताओ यार, कितना प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, देखो यार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आप देखते हो यार मेरा भी। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो गिम्बल जिससे बना रहा हूँ ना, इसका जो रिमोट कंट्रोल था गिरते गिरते बच गया, अंदर किस्मत ने साथ दे दिया वरना प्रॉब्लम हो जाती। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस देखो लड़ रही है डॉग्स, खेल रहे लड़ नहीं रही है। सो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं करते इतने आराम से। आप देख सकते हो यहाँ पे जगह खाली है लेकिन शूट नहीं कर सकते हम, वजह ये है कि यहाँ पे क्या होता है भैया, क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ से बताइए? महल के अंदर और बना हुआ है। हाँ, और परमिशन के कितने चार्जेस है? 5,000 रुपये। अगर बंदा कोई परमिशन नहीं लेता तो फिर क्या चालान होता है उसके ऊपर? चालान तो वही बताएंगे ऑफिस वाले। नहीं अगर जैसे देखो हमारा काम है, मेरी ड्यूटी है, यहाँ से कोई काम नहीं होगा। अगर आपके कोई मान नहीं रहा कोई काम करता है तो फिर आप क्या करोगे? कंट्रोल को सूचना दे देते हैं। हाँ फिर कंट्रोल वाले क्या करेंगे? कंट्रोल वाले जाने। हाँ तो गाइज आपने देखा भैया ने बताया कि ये इनका ये है कि यहाँ पे मना करते, एक बार मना करते, दो बार मना करते, तीन बार, अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो ये कंट्रोल को खबर दे देंगे, ये पहले प्यार से बताएंगे। अगर जब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा ना तो आपको पता है कंट्रोल तो होना ही पड़ेगा फिर तो कंट्रोल होना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस वजह से बात ये कि भैया से ही कंट्रोल हो जाओगे तो बेस्ट रहेगा, वरना कंट्रोल को चोरी कंट्रोल कर देगा। बाकी यहाँ ये लोकेशन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो गाइस आमेर फोर्ट। आप ये एक काम कर सकते हो, अगर जयपुर में आते हैं ना तो यहाँ पे ही पर्ची कटवा लेनी चाहिए हमें आमेर फोर्ट पे, और यहाँ पे शूट करना चाहिए पूरा। अब चलो अब हम यहाँ पे जो भी शूट ले पा रहे लेते हैं, आपको बताते फिर आगे जो भी सिचुएशन होती है वो बताएगी, लेकिन यहाँ पे शूट करने नहीं दे रहे, फोन फोटोग्राफी कर रहे सतीश भैया। आप देख सकते हो सतीश भैया फोन से खींच रहे, और भाई फोन से लेके ना मैं एडिट करूंगा, देखना तुम्हारा भाई दिखाएगा तुम। देख सकते हो गाइस फोन फोटोग्राफी हो रही है इधर, ये मैं प्रो 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 मोड में ले रहा हूँ, एप्पल ये वन प्लस 10 प्रो के प्रो मोड में ले रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, और आप हमारे कपल को देखो वो अभी भी एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड है गाइस
ये अपने एक्सप्रेशन नहीं छोड़ेंगे। और सर ये बताइए, फोन से तो खींच सकते हैं ना, बताओ फोन से खींच सकते हैं? तो गाइस फोन से फोटो खींच सकते हो आप, कैमरा अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट अलाउड नहीं है आप, बाकी फोन फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड है। और हम व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, व्लॉगिंग की कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहाँ पे, खाली प्रोफेशनल इक्विपमेंट के लिए दिक्कत है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो कैमरा भी ऑपरेट कर सकते थे, सिर्फ गिम्बल की प्रॉब्लम होती थी गाइस, लेकिन यहाँ पे अभी कैमरा प्रोफेशनल इक्विपमेंट बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। सो गाइस हमारी ब्राइट कह रही है कुछ मेरी वीडियो ले लो यहाँ पे, अब कैमरा नहीं है मैं क्या करूँ, अब मेरे को ये व्लॉग ही लेनी पड़ेगी, बताइए मैम। व्लॉग बंद करके फोटो लो, फोटो फोटो ये लो, फोटो आ गई, फोटो इतनी खास लेने नहीं आती मुझे, समझे आप? अच्छा, फोटो के लिए सतीश भैया रेडी है ये? ओह वाह, बहुत सही है ये साई। सो गाइस आपने देखा बहुत जबरदस्त फोटो खींची भैया ने, कैसी जा रही है फोटोग्राफी साई भैया? फोटोग्राफी ऑन मोबाइल मस्त मस्त जुगाड़ कर रहे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट के लिए दिक्कत होती है गाइस। सो गाइस हमारे जो गार्ड भैया है उनने यहाँ पे साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद बोला एक फोर्ट की वीडियो चाहिए, तो उनने खाली इतनी सी परमिशन दी, बहुत बढ़िया बंदी है गाइस, तो जितना हो सकता है हर बंदा अपनी तरफ से उतना करता है, आपको पता है, उनने खाली एक वीडियो की परमिशन दे दी मुझे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो ले रहे अरे ये फोर्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा आमिर फोर्ट हमारा, आप देख सकते हो गाइस गाड़ी से जा रहे हैं हम। चलो दोस्तों अब फाइनली यहाँ से भी हम जा रहे हैं हवा महल के लिए। अब चलो हवा महल में क्या सिचुएशन है, हमारी ब्राइट बहुत ज़्यादा ही तो कह रही है कि उधर चलो उधर चलो उधर चलो, लेकिन मैं मुझे पक्का श्योर हूँ कि उधर कुछ भी नहीं डेटा मिलना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कपल जो कहते हैं वो हमें करना ही पड़ता है, वो जो कहते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फाई रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब चलो उधर जाएंगे, जो शूट मिलेगा लेंगे, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे कैमरा खोलने भी नहीं दिया आपके सामने, मुझे बस एक गिम्बल का शॉट लेने दिया, एक ही शॉट जो आपके सामने लिया ना, अब जो सोमिल ने व्लॉग ली थी वही लिया, बाकी लेने कुछ नहीं दिया गाइस। अब चलो आगे जो सिचुएशन होती है आपको बताते, बाकी ये फोर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस फोर्ट, ये आप देख सकते हो जयगढ़ फोर्ट है ये, और ये आमिर फोर्ट देख सकते हो, आमिर का फोर्ट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हवा महल की ओर, देखते हो देख रहे हो अंधेरा होने वाला है, रास्ते में है हम गाइस, आप देख सकते हो, मैं आपको रुको बताऊँ, यहाँ पे मकर संक्रांति की जो त्योहार था ना अपना, उसी के दिए जल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट ये थोड़ा सा आ गया, रेड रेड ये देखो गाइस एक नज़र आया होगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बाकी वो रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये रहे दो, ये गाइस देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम हवा महल के पास पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और रश बहुत हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो, आप उधर रोक दो दिया भाई, सीधे हाथ पे चलो, सीधे हाथ पे चलो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये हमारे हवा महल में, मैं आपको हवा महल का बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है, हम कुछ सामान लेने आए थे, सामान ले लिया है यहाँ से प्रॉपर मिला नहीं, संडे और इसके अलावा एक त्यौहार है ना उसके चक्कर में मार्केट बंद है पूरी, आपको चलो मैं दिखाऊँ हवा महल। दोस्तों आप देख सकते हो ये हवा महल में पहुँच चुके हैं हम, बहुत ही ज़्यादा रौनक वाला एरिया है, आपने पहले भी देख रखा है ये एरिया, बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पे देख सकते हो गाइस, और यहाँ पे आज त्योहार के चक्कर में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ओ भाई साहब ये देखो। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ये हवा महल के पास, यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है आप देख सकते हो, ये देखो रुको मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, ये देख सकते हो हवा महल ये रहा, यहाँ पे भीड़ भी है काफी, डीजे वगैरह लगा रखा है, आप देख सकते हो ऊपर से ये नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वक्त यही हो रहा है, हमारे कपल से बात होती है, फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी सिचुएशन होती है गाइस आपको बताते हैं हम। तो गाइस अभी भैया ने शूट स्टार्ट कर दिया, तो गाइस आप देख सकते हो अभी भैया शूट करा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे देखो कितना अच्छा आ रहा है तिरंगा का, चूड़ियाँ बनी हुई तिरंगे,
शादी में यार। सो गाइस फाइनली हमारा हवा महल में कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही दो तीन शॉट्स लिए, यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था। अब चलो पूछते कपल से, अब ये बताओ गाइस कैसा हुआ आपका? बहुत सही हुआ था। इट वाज टू फुली पैक्ड डेज एंड वी ट्राइड टू मैनेज ऑल द शॉट्स वेरी वेल एंड दे डिड एन अमेजिंग जॉब, नो डाउट इन दैट। एंड मेगा Yeah, I agree with Sai. It was good. We enjoyed a lot. It was lot of places and lot of different dresses. It's just that if we could have started early, we would have completed a lot of other places. But we enjoyed it with the team. The work was good. Now we are waiting for the photos and then we'll tell you the final feedback. How much we loved it. Okay, आपका final feedback हम लेंगे wedding में, ठीक है? Yes. Pre wedding. Yes. Sure. Pre wedding में तो मजा आ गया ना? Amazing job. Thank you. एफर्ट्स पूरे। सो गाइस फाइनली आपने देखा यहाँ पे हमने पूरी मेहनत हमारी करी, कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे जो भी शॉट्स आ रहे थे दोस्तों। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो टाइम जाया हुआ हमारा ये दो दो घंटे तीन तीन घंटे रेडी होने में, ये चीज गाइस कभी भी मत करना। आप शूट करने जाते हो तो आप प्रॉपर टाइम दो अपना शूट करने में, तब जाके शूट अच्छा होता है। आप खुद ही सोचो एंड ऑफ द मोमेंट आप बताओ इधर चले जाओ उधर चले जाए, उसके अंदर इतने शॉट्स अच्छे नहीं आ पाते हमारे। लेकिन हमारे जो शॉट आए हमने कंप्लीट शूट लिए। अब चलो फाइनल यहाँ पे व्लॉग कंप्लीट करते हैं हम। आपने देखा हवा महल पे शूट करा हमने जागर फोर्ट पता नहीं कौन सा फोर्ट था, उधर भी शूट करा। फाइनली डन करते इस वीडियो को। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।